सुना है तुम हमारे खिलाफ कोई झूठी गवाही देने जा रही हो? ऐसी गलती ना करना लिली, नहीं तो तुम बहुत पछताओगी। तो तुम लोग मुझे धमकी देने आए हो? कुत्तों, अब मैं वो फूल नहीं जिसे तुम मसलना चाहते थे। वक्त ने मुझे इतना पत्थर बना दिया है कि मैं तुम दोनों के लिए अकेली काफी हूँ। अच्छा, लेकिन इस बार हम भी अपने साथ तो पहाड़ लाए हैं। अगर तुम हमारा पहाड़ा न पढ़ सको तो दफा नंबर 302। ये दोनों कत्ल के माहिर हैं। ये सिर्फ दफा नंबर 302 में अंदर जाते हैं, लेकिन इस बार हम खास तौर पर इन्हें तुम्हारी सेवा के लिए लाए हैं। भीमा, क्या बात है लिली? अरे ये बदसूरत मेहमान कौन है? जहां तक मुझे याद है हम लोगों ने तो किसी को खाने पे नहीं बुलाया। क्यों मुन्ने? अच्छा अच्छा, तो तुम ही हो भीमा जो हमारी नौकरानी को रखे हुए हो? हाँ? अबे साले लंगड़े, क्यों मेरी बहन को माँ की गाली दे रहा है? मुन्नी जरा मामा की गोद से तो उतर जाओ। क्यों, तुम्हारे पापा तो नहीं आए? लेकिन तुम्हारे चाचा अपने दो चमचों के साथ आए, तो अब तुम क्या करो? तुम इस झूले में थोड़ी देर झूला झूलो। है शाबाश, जब तक मैं तुम्हारे चाचा को झूला झूलाता हूँ। है हाँ भाई चाचा। तू कहाँ जा रही है? छोड़ मुझे। आजा मुन्ना। मैं हाथ जोड़ती हूँ, इसे मत मारो। मैं जीसस की कसम खा के कहती हूँ, मैं कोई बयान नहीं दूंगी, मैं कोई भी बयान नहीं दूंगी। बस तुम यहाँ से चले जाओ। याद रखना भीमा।